हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में विटामिन के महत्वपूर्ण तत्व जैसे उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाली रोग और उनके स्रोत को समझते हैं कि कौन कौन से विटामिन के क्या क्या रासायनिक नाम हैं, उनके होने वाले कौन कौन से रोग हैं और उनके स्रोत कौन कौन से। आइए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौधी है। और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर, दूध, अंडा, फल। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखते हैं विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या नाम है? थायमीन। इसके होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इससे बेरी बेरी, यानी कि बी वन की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। देन विटामिन बी वन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? मूंगफली, आलू, सब्जियां। क्या क्या है? मूंगफली, आलू, सब्जियां। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेबिन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेबिन। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा फटना और किलोसिस। त्वचा फटना और किलोसिस। स्रोत कौन कौन से हैं? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। क्या क्या? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम जो है वो है नियासीन। क्या नाम है? नियासीन। कमी से होने वाला रोग मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना। कौन कौन सा? मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना। स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखते हैं विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम जो है वो है पेंटोथिनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथिनिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा, दाद, पेलाग्रा। कौन कौन सा? त्वचा, दाद, पेलाग्रा। नेक्स्ट स्रोत क्या क्या हैं इसके? मांस, मूंगफली, आलू। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखते हैं विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरीडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरीडॉक्सिन। कमी से होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग। कौन कौन से स्रोत हैं? दूध, मांस और सब्जी। दूध, मांस और सब्जी, इन सब चीज़ों में विटामिन बी सिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन एच या विटामिन बी सेवन। क्लियर। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है इसका? बायोटीन। कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द। कौन कौन से इसके स्रोत हैं? इष्ट है, गेहूं, अंडा। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए विटामिन बी ट्वेल्व। बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबालमीन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबालमीन। इसकी कमी से होने वाले रोग रक्त छीणता और पांडु रोग। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, कलेजी, दूध। कौन कौन से? मांस, कलेजी और दूध। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कार्बिक एसिड। क्या नाम इसका? एस्कार्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। तथा विटामिन सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है, स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेराल। क्या नाम इसका? कैल्सीफेराल। इसकी कमी से होने वाले रोग, मेन जो रोग है इसका वो है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। क्लियर। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो है टेकोफेराल। क्या नाम है? टेकोफेराल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हैं? नपुंसकता, वंध्यता। कौन कौन से स्रोत हैं?
हरी सब्जी, मक्खन, दूध। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो है फिलोक्विनान। क्या नाम है? फिलोक्विनान। इसकी कमी से होने वाला रोग, रक्त का थक्का न बनना। क्लियर है? रक्त का थक्का न बनना। स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर, हरी सब्जी, दूध। कौन कौन से? टमाटर, हरी सब्जी और दूध। ओके, थैंक यू।